प्यारे बच्चों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र खैरा एक बार फिर हाजिर हाँ तुहाडे सामने। मिति 6/10/2020 दी पंजाब अचीवमेंट सर्वे पैस 2020 दी अभ्यास शीट नंबर 32 लेके। सो आओ शुरू करते हैं। पहला विषय है बच्चों पंजाबी। पंजाबी दे दित्ते हुए पहरे नूं पढ़ के उस विच आए प्रश्नों के उत्तर असीं लभदे हाँ। उन्हां दिनां विच गांधी जी दे पिता जी बीमार सन। बीमारी करके वह बिस्तरे ते लेटे होए सन। गांधी जी ने वह चिट्ठी अपने पिता जी के हाथ विच फड़ा दित्ती ते ओ उन्हां दी मंजी दे कोने ते बैठ गए। उन्हां दा शरीर डर नाल कंब रहा सी। पिता जी ने जदों वह चिट्ठी पढ़ी तो वह रो पए। कुछ देर लई वह अखां बंद करके लेटे रहे। फिर उन्होंने वह चिट्ठी वाला कागज़ पाड़ दिता। पिता दे अथरुआं ने पुत्तर दे गुनाह नूं माफ़ कर दिता सी। इस घटना तो बाद गांधी जी ने जीवन भर ना कदे झूठ बोलिया ते ना ही कदे चोरी कीती। पहला प्रश्न, गांधी जी ने अपने पिता जी दे हथ की फड़ाया? पैसे, फुल, चिट्ठी। ईडी उत्तर बिल्कुल ठीक है, चिट्ठी फड़ाई सी। दूसरा प्रश्न, गुनाह तो की भाव है? कूड़ा, गलती। बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है तीजा प्रश्न, गांधी जी दे पिता जी ने चिट्ठी वाला कागज़ क्यों पाड़ दिता सी? क्योंकि उन्होंने गांधी जी नूं माफ़ कर दिता सी। पहला ही उत्तर बिल्कुल ठीक है, ऊड़ा। गांधी जी ने मुड़ जीवन भर झूठ नहीं बोलिया। झूठ शब्द दे थले लकीर लगी हुई है। उपरले वाक विच लकीरे शब्द का विरोधी शब्द, झूठ का विरोधी सच ऐड़ा उत्तर है। पंजवां, उपरोक्त पैरा किस बारे है? चिट्ठी लिखण बारे, चोरी करन बारे, झूठ ना बोलण अते चोरी ना करन बारे। ईडी साडा उत्तर है। अगले विषय ते चलदे हाँ। अगला विषय है बच्चो गणित। गणित दा पहला सवाल देखदे हाँ आपां। पहले सवाल विच है गुरलीन दा रोल नंबर 30 है, भाव 3030। किहड़ा गिणतारा गुरलीन दा रोल नंबर दर्शा रहा है? देखो इत्थे इकाई दा अंक 0 ते दहाई दा अंक 3 है। 30 दे विच भाव इकाई वाले स्थान ते कोई गिणतारा नहीं होना चाहिदा अते दहाई वाले स्थान ते 3 तारे होने चाहिए ने, 1 2 3। ऊड़ा उत्तर बिल्कुल ठीक है, ईड़ी वाले स्थान ते कोई गिणतारा नहीं, 0। दहाई वाले स्थान ते 3 गिणतारे है। सो गुरलीन दा रोल नंबर ऊड़ा गिणतारा दर्शा रहा है। दूसरे सवाल विच देखदे हाँ, हेठां दित्ते अंकां दे कार्डां तों किन्नियां संख्यावां बन सकदियां? हेठां दित्ते अंकां दे कार्ड 2 हन बच्चो, 6 अते 4। इस नाल बनने वाली संख्या पहली बनेगी 6 4 60 4 64 बन गई। दूसरी संख्या इन्हां दे अंकां दे स्थान नूं बदल दिए 40 6 46, भाव 2 संख्यावां बनदियां हन। ईडी साडा उत्तर है। तीसरा सवाल है, हेठां दित्ते चित्र विच किन्नियां खड़वीआं रेखावां हन? सो हेठां दित्ते चित्र विच आपां देखदे हाँ 1 2 2 खड़वीआं रेखावां हन, इस करके ऊड़ा साडा उत्तर है। अगले सवाल ते चलदे हाँ। अगला सवाल है चौथा। चौथे सवाल विच देखो कहिंदे हन, हेठां दित्तियां तस्वीरां विच किस दी मदद नाल 1 किलो आलू तोल सकदे हाँ? पहले ते बैग है, दूजे ते ऐड़ा फुट्टा मापण वाली इकाई है, तीजे ते है तकड़ी। बिल्कुल ठीक, तकड़ी नाल असीं 1 किलो आलू तोले जा सकदे हन। पंजवां है बच्चो, नमूने नूं ध्यान नाल देखो अते पूरा करो। नमूने विच देख रहे हो इत्थे 2 तिकोण दित्ते ने जिन्हां दे शिखर उपर वल नूं है, फिर 2 तिकोण दित्ते ने जिन्हां दे शिखर हेठां वल नूं है, फिर 2 तिकोण आ गए शिखर उपर वल नूं, हुण 2 तिकोण आउणगे जिन्हां दे शिखर बच्चो की होने चाहिए, इस तरह हेठां वल नूं होने चाहिए हन। सो सस्सा उत्तर बिल्कुल ठीक है। सस्से दे विच तुसीं देख सकते हो तिकोण दे जिहड़े शिखर ने ओह हेठां वाली साइड नूं हन। अगले विषय ते चलदे हां। अगला विषय है इंग्लिश। इंग्लिश दे विच दित्ते हुए पैरे नूं पढ़ांगे अते उस विचले प्रश्नों दे उत्तर असीं फाइंड आउट करांगे। वंस अपॉन ए टाइम देर वाज ए पुअर फिशरमैन हू लिव्ड इन ए स्मॉल हट। एक समय दी गल है। देर वाज ए पुअर फिशरमैन, एक गरीब मछुआरा, हू लिव्ड इन ए स्मॉल हट, जो आपदी एक छोटी झोपड़ी विच रहिंदा है। वन डे ही वेंट आउट टू द सी, एक दिन ओ समुंदर विच गया, टू कैच फिश,
ਔਨ ਹਿਜ਼ ਬੈਟ ਆਫ ਬੋਟ ਆਪਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਨ ਹੀ ਪੁੱਲਡ ਅਪ ਹਿਜ਼ ਨੈੱਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੀ ਵਾਜ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟੂ ਫਾਇੰਡ ਏ ਸ਼ਾਈਨੀ ਗੋਲਡਨ ਫਿਸ਼ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਮਕਦਾਰ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਪਡ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਨੈੱਟ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ ਯੂ ਕਾਇੰਡ ਮੈਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਉ ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਪੁਰਖ ਕ੍ਰਾਈਡ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਫਿਸ਼ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੱਛੀ ਚਿੱਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਵਾਜ ਸ਼ੋਕਡ ਮਛੁਆਰਾ ਅਚੰਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੋਕਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਬਰ ਕੇ ਜਾਂ ਡਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਟੂ ਸੀ ਏ ਟੋਕਿੰਗ ਫਿਸ਼ ਉਸ ਬੋਲਦੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਿਟੀਅਡ ਦ ਫਿਸ਼ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਮੱਛੀ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਇਟ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਦ ਗੋਲਡਨ ਫਿਸ਼ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਗਰੇਟਫੁੱਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੱਛੀ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਸੀ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਟੂ ਦ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਉਸਨੇ ਮਛੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਰੀਪੇ ਯੂਅਰ ਕਾਇੰਡਨੈਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇਸ ਦਿਆਲੂਤਾ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਊਂਗੀ ਵਾਪਸ ਵੈਨ ਦ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਰਿਟਰਨਡ ਹੋਮ ਜਦੋਂ ਮਛੁਆਰਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਡ ਟੂ ਸੀ ਹਿਜ਼ ਸਮਾਲ ਹਟ ਚੇਂਜਡ ਇਨ ਟੂ ਏ ਬਿੱਗ ਹਾਊਸ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਨੇ ਕਿਤੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜ਼ ਸਮਾਲ ਹਟ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਝੋਪੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਦਾ ਪੂਅਰ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਲਿਵ ਏ ਪਲੇਸ ਇਸ ਸਮਾਲ ਹਟ ਬੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਵਾਜ ਸ਼ੌਕ ਟੂ ਸੀ ਡੈਸ਼ ਫਿਸ਼ ਗੋਲਡਨ ਸ਼ਾਈਨੀ ਟੋਕਿੰਗ ਫਿਸ਼ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਥਰਡ ਵਨ ਹਾਓ ਡਿਡ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਫਿਸ਼ ਰੀਪੇ ਦ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨਸ ਕਾਇੰਡਨੈਸ ਉਸ ਗੋਲਡਨ ਮੱਛੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦਿਆਲੂਤਾ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੀ ਗੇਵ ਦਾ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਏ ਨਿਊ ਬੋਟ ਨੋ ਸ਼ੀ ਗੇਵ ਗੋਲਡਨ ਕੋਇਨ ਟੂ ਦਾ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਨੋ ਸ਼ੀ ਚੇਂਜ ਦਾ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨਸ ਹਟ ਇਨ ਟੂ ਏ ਬਿੱਗ ਹਾਊਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਝੋਪੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ ਯੂ ਕਾਇੰਡ ਮੈਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਉ ਦਿਆਲੂ ਪੁਰਖ ਹੂ ਸੈਡ ਦੀਜ ਵਰਡਸ ਗੋਲਡਨ ਫਿਸ਼ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ ਪੂਅਰ ਪੂਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਭਾਵ ਉਲਟਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਪੂਅਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਚ ਡੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਅਗਲਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੀ ਕੇ ਪਹਿਰੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਏਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਰਤੇ ਡਰਤੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮ ਤੋ ਬੇਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਥੇ ਯਹ ਪੱਥਰ ਅਚਾਨਕ ਆਪਕੋ ਆ ਲਗਾ ਹਮੇ ਕਸ਼ਮਾ ਕੀਜੀਏ ਇਸ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੋ ਡਰਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜਬ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਪੱਥਰ ਖਾ ਕਰ ਤੁਮੇ ਮੀਠੇ ਮੀਠੇ ਬੇਰ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਆਪਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਥਰ ਖਾ ਕਰ ਆਪਕੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਮੇ ਕੁਛ ਦੂੰਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰਕਸ਼ਕੋ ਸੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਮੀਠੇ ਮੀਠੇ ਬੇਰ ਤਥਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇਣੇ ਕੋ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਬੇਰ ਤਥਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲੇਕਰ ਹੰਸਤੇ ਖੇਲਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਕਿਆ ਤੋੜ ਰਹੇ ਥੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਮ ਸੇਬ ਬੇਰ ਤੋ ਗ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬੇਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਮਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਕਿਆ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਮਾ ਉੱਤਰ ਬੱਚੋ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋ ਕ ਇਸ ਕਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੀਸਰਾ ਹੰਸਣਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਵਿਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟਾ ਹੰਸਣਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਵਿਲੋਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੌੜਨਾ ਰੋਨਾ ਹੰਸਣਾ ਕਾ ਉਲਟਾ ਆਏਗਾ ਰੋਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਚੌਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੱਚੋ ਕੋ ਕਿਆ ਕਿਆ ਦੀਆ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁਸਤਕੇ ਨਹੀਂ ਮੀਠੇ ਮੀਠੇ ਬੇਰ ਤਥਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਗ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਂਚਵਾਂ ਬੱਚੋ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇ ਕਸ਼ਮਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਕ ਬੇਰ ਤੋੜਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਖ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਖ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਨਕੋ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਾ ਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਸੇ ਕਸ਼ਮਾ ਮੰਗੀ ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੱਚੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗਲਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ
गर्मी घट जाती है, लोगों के जीवन पर कोई फर्क नहीं पैंदा। दूसरा उत्तर बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर दूजा, समय के नाल नाल नवे नवे यंत्रां कंप्यूटर नवे मॉडल दे मोबाइल अते आवाजाई दे आधुनिक साधना की वरतों वध रही है, इस नूं क्या जांदा है? पहला समय की सुचज्जी वरतों, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, विज्ञानिक तरक्की। चौथा बिल्कुल ठीक है, इस नूं विज्ञानिक तरक्की कहा जाता है। प्रश्न तीजा, कुत्ता एक वफादार जानवर है, इस नूं घर की रखवाली लई पालिया जाता है। कुत्ते दीयां विशेषतावां संबंधी केड़ा कथन गलत है जो कुत्ते ते नहीं टुकदा? पहला कुत्ते दी सुंघन शक्ति बहुत तेज हुंदी है, बिल्कुल ठीक। कुत्ते दी सुनन शक्ति कमाल दी हुंदी है, बिल्कुल ठीक। कुत्ते दी जात तों उन बनदी है, गलत। तीसरा बिल्कुल गलत है। चौथा सी कुत्ता जमीन दे 40 फुट थल्ले दी गंध पछाण सकदा है, बिल्कुल ठीक है चौथा भी। तीजा साडा उत्तर है। अगले ते चलदे हां, चौथा प्रश्न है बच्चे, सफेदा एक अजिहा रुख है जो बहुत तेजी नाल वधदा है अते वधन फुलन लई बहुत सारे पानी की वरतों करता है, इसलिए पहला सफेदे नूं मरुथली खेत्र विच लाया जाना चाहिदा है? नहीं। पहाड़ी इलाके विच लाया जाना चाहिदा है? नहीं। तीजा सेम वाले खेत्र विच लाया जाना चाहिदा, बिल्कुल सही है बच्चों। सेम वाला खेत्र जिथे पानी का सतर धरती तो बाहर आना शुरू हो जाता है, इस करके उत्थे सफेदा लाया जाए ता जो सेम खत्म की जा सकती है। अगले प्रश्न ते चलते हाँ, पंजवा प्रश्न है, त्यौहार खाधा जाण वाला भोजन। एक साइड ते बच्चो त्यौहार दिते ने, दूजी साइड ते उन्हां त्यौहारां विच खाधा जाण वाला भोजन दिता होया। लोहड़ी ते मूंगफली रेवड़ी, बसंत ते पीले चौल, नराते हलवा पूरी, ईद ते सेवियां। उपरोक्त सारणी अनुसार केड़ा कथन गलत है? देखो पहला लोहड़ी वाले दिन लोग मूंगफली रेवड़ी खाते हैं, बिल्कुल ठीक। बसंत वाले दिन लोग पतंगबाजी करन दे नाल पीले चौल बना के खाते हैं, बिल्कुल ठीक। तीजा ईद मौके पटाके चलाउण दा रिवाज है, हो सकता। चौथा नरात्यां विच सेवियां खाण दी रीत है, सो नरात्यां विच तां हलवा पूरी खाधी जांदी है, सो चौथा बिल्कुल गलत है। तीजा ईद मौके पटाके हो सकता खुशी नाल चलाए जा सकते होण, इस बारे इस प्रश्न दे विच वर्णन नहीं किया गया, पर आपां इत्थे दित्ते हुए दे अनुसार चौथा बिल्कुल अपना सही है कि नरात्यां विच सेवियां खाण दी रीत है, वह गलत वाक है, सो इस करके अपना उत्तर चौथा है। सो इस तरीके नाल असी इस अभ्यास शीट नूं मुकम्मल किया। थैंक यू, धन्यवाद।